आज हम लोग देखेंगे, ये TVS का रिबन है, काटी जी बोलते हैं हम लोग इसको भी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे TVS का लोगो है और यहाँ पे लिखा हुआ है TVS ई कंप्यूटर प्रिंटर रिबन पावर्ड बाय इन बैंक टेक्नोलॉजी, ये नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 136 कॉलम 9 पिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर 24 पिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसमें जेट ब्लैक है, पूरा एकदम काला काला निकलेगा। यहाँ पे TVS का लोगो है, इस साइड कुछ है नहीं। पीछे हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया हुआ है यहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ है कि ये इस कोई वारंटी कवर नहीं है इसमें। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है प्रोडक्ट के बारे में, कभी ये बना है, इसका MRP क्या है, 210 रुपये लिखा हुआ है, पर ये आपको इससे सस्ते में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है इसका कस्टमर केयर नंबर है, और यहाँ पे tvsin.in है, इसमें आप लॉग इन करके भी इसको देख सकते हैं आराम से इसके बारे में। और इस पार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ मॉडल नंबर है, मतलब आप किस किस मॉडल प्रिंटर में आप इसको चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है MSP 245 सीरीज़ का है, 255 का है और 245 गोल्ड का है HD। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 335, 345, 355 और 455 सीरीज़ में आप इसे यूज़ करते हैं सकते हैं, मतलब इसको आप काफ़ी सारे प्रिंटर मॉडल में आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे देखते हैं खोल के इसके अंदर क्या मिलेगा। ये सील थोड़ा ख़राब हो गया है, पर मैंने इसको न्यू लिया था, देखते हैं। एक ही साइड खोलते हैं, अब इसके अंदर और कुछ है नहीं, इसको हम साइड में रख देते हैं। और यही जो है इसका हम लोग, ये इंक है, इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करना है। मैं इसको कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ आपको, पहले मुझे इससे निकालना पड़ेगा। ये खुल गया, आराम से आप इसे निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे गडर लगा होगा, इसको आप निकाल देंगे तो ये पार्ट खुल जाएगा। इसका सेम पोजीशन यहाँ पर भी है जो पहले खुल गया था, तो यहाँ से भी हम लोग इसका जो गडर है इसको निकाल देते हैं। ओके, हमने जो है अभी सारा जो इसमें गडर लगा हुआ था ये सब निकाल दिया हमने इसको, और साइड में रख देते हैं इसको भी। और ये हो गया रिबन, इसमें एक रोल दिया गया है, ये प्रिंटर के अंदर से घूमेगा। ओ सॉरी, यहाँ पर एक और बाकी है, मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया। चलिए मैंने इसको भी निकाल दिया, अभी आराम से घूम सकता है। अब यहाँ पर जो है इसका जो कार्टिज है, असल इंक बैंक है, वो इसमें इसके अंदर है, तो इसमें कनेक्ट होगा। चलिए हम इसको भी खोल के देखते हैं। ये निकल गया, अब इसको हम इससे यहाँ पे एक सेकंड, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया सही से। और निकालने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देकर खींचना होगा, तो ये आराम से निकल जाएगा। फिर से हम इसे लगा देते हैं वापस से, बस हो गया। अब आप अपने प्रिंटर में इसको कनेक्ट कर दीजिए, तो ये जो है यहाँ से घूम कर हुए, यहाँ से अपना जो कलर है इसको लेके यहाँ से घूम के फिर वापस आएगा, तब आपका प्रिंट आराम से निकलेगा। बस इसको आपको प्रिंटर में कनेक्ट करना होगा। प्रिंटर तो मेरे पास अभी है नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखाता कनेक्ट करके कि वहाँ पर भी कैसे किया जाता है। तो कोई बात नहीं, मैं अगले किसी वीडियो पर आपको दिखाऊँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।